चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बड़ी खुशखबरी की बात है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए, दुख की भी घड़ी है। बहुत सारे बच्चे का कॉल आ भी गया है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिहार के, लेकिन हम इसलिए सूचित नहीं कर रहे थे, खुद कंफर्म हो रहे थे, तभी कंफर्म हो गया मैट्रिक का कॉल आना शुरू हो गया। 28 और 29 को टॉपर वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा, 31 तारीख को रिजल्ट मैट्रिक का एकदम फाइनल कर दिया गया है। हाँ, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आइए देखिए, 2 मिनट मेरे इस वीडियो में बने रहिए, आइए बात करवाते हैं एक सर से, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं कि क्या कॉल आना शुरू हुआ कि नहीं। चलिए लाइव में बने रहिए और सुनते रहिए आप लोग। दाते भी कुछ हो सर, कॉल नहीं उठाएंगे क्या भैया? हेलो हेलो, हाँ सर। नमस्कार, हम जीएस पिखलपुरा छपरा से बोल रहे हैं। जी जी, प्रणाम सर जी। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। जी सर, मेरा शुभ नाम जेपी है, जयप्रकाश। कहाँ से बात हो रहा है, कहाँ, कौन शहर से आप बोल रहे हैं? मधुबनी से बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग चलाते हैं ना सर? जी जी, कोचिंग चलाते हैं। हाँ, सुने हैं कि आपका बच्चा सब बहुत मेहनत करता है पढ़ने में। ओए कुर्सी मत हिलाओ। जी सर, मेहनत तो कर रहे हैं सर, बच्चे भी बहुत कर रहे हैं। आप भी भगवान करे मेहनत करते हैं। तब चलिए मैट्रिक तक पढ़ाते कि इंटर भी पढ़ाते हैं? सर इंटर में कॉमर्स साइंस स्ट्रीम बस चालू किए हैं, और कॉमर्स का अगला बार भी, अगला बार बच्चा था तो 400 परीक्षा दिया है, 400 नंबर आए हैं हाईएस्ट अपने यहाँ कॉमर्स के। अच्छा, कोई बात नहीं, आने वाला समय में अच्छा आएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आपके बात से जब आप बताइए छपरा के टीचर को फोन लगा दिए, मतलब अपने बच्चा के प्रति कितना आपको इंटरेस्ट है ये जान करके हमको बहुत खुशी हुई। आप कौन सा कोचिंग का नाम क्या बताएं? ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान। हाँ, मधुबनी की नहीं? हाँ सर, तो सुने हैं कि मैट्रिक का बच्चा का आपका कॉल आया है, सुने हैं कि मैट्रिक के बच्चे का आपका कॉल आया है? जी सर, एक कॉल आया है लेकिन कंफ्यूजन में थे, इसलिए आप मतलब नहीं कंफर्म है, बता दीजिए कॉल कितना बजे आया, हमारे दर्शकों को बताइए। लगभग 11 बजे, 11:30 बजे कॉल आया है। 10 बजे से कॉल आता है ना, 4 बजे के बीच तो ओके रहता है। क्या बताया गया कॉल करके? सर वही बताए जो कि आप संभावित टॉपर सूची में आए हैं, आपका नाम, और आपको 29 तारीख को आना है, और मतलब एड्रेस बताए और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके आने के लिए वो बताए सर। सिन्हा लाइब्रेरी बताया गया? जी जी जी, सिन्हा लाइब्रेरी का नाम लिए थे, डाक बंगला चौराहा ऐसे करके। हाँ, तो बिहार बोर्ड ऑफिस में आया है ये सारे। क्या बताया गया कि बच्चा टॉप कर रहा है कि संभावित टॉपर, क्या बोला गया? संभावित टॉपर में है, संभावित टॉपर में है। हाँ तो सही बताया गया है। चलिए बहुत बहुत बधाई कि आपके छात्र को कॉल आया, हम चाहेंगे कि टॉप 1 से 5 में बेचारा रैंक करे। जी जी सर। अच्छा सर, और 2-3 बात लेना चाहेंगे, आपको हम पर विश्वास है कि नहीं है? बहुत विश्वास है सर। हमको भी आप जैसे गुरु पर विश्वास है, जानते हैं हम इंटर का भी रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन, कोई बिहार बोर्ड में मेरा लिंक नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सारा लिंक आप जैसे गुरु की वजह से दिए, सभी गुरु लोग मेरे को सपोर्ट किए और लिंक बताया इसलिए जानकारी दी है। चलिए बहुत अच्छा लगा, बधाई, हमसे बात करके कैसा लगा सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आपका लड़का रैंक करे, बिहार बोर्ड में मिलिए हमसे तब। जरूर जरूर सर, हम आएंगे सर, 29 तारीख को मिल रहे हैं सर। हाँ जरूर, हम चाहेंगे कि आधा और बच्चा का आपका कॉल आ जाए, ताकि 4-5 बच्चे के साथ आ जाइए, अभी कॉल जाएगा। जी सर, अभी 5 बच्चे को मेरे संभावना है तो कॉल आना चाहिए, अभी एक का आया है, आप देखिए। वो जो व्हाट्सएप नंबर भेजे हैं सर, उस पर कॉल रिकॉर्डिंग होगा तो भेज दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे मधुबनी से सर, मधुबनी जिला, हम छपरा कितना दूर है वहां से फोन लगाया था आप लोगों को जानकारी देने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।